नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सिविल डायमेंशंस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। टुडेज आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन MDF, HDF एंड HDHMR बोर्ड। MDF इज मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, HDF इज हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड एंड HDHMR इज हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस फाइबर बोर्ड। शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वाटर रेजिस्टेंस, डैम्पनेस एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। सो MDF और HDF दोनों ही वाटर रेजिस्टेंस या डैम्प प्रूफ या मॉइस्चर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप कहीं भी एप्लीकेशन के लिए इसे यूज़ करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि यह एरिया डैम्पनेस आ सकता है इस एरिया में, या फिर पानी से ये ख़राब हो सकता है इस एरिया में, या मॉइस्चर की कोई प्रॉब्लम है, तो उस जगह MDF HDF को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उसके अलावा मैं नया प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ जो कि HDHMR बोर्ड है, उसका प्रयोग करें। वो बहुत ही एक्सटीरियर ग्रेड का अच्छा मटेरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम मेकिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। MDF, HDF एंड HDHMR बोर्ड, ये सभी इंजीनियर्ड वुड हैं। इनमें शामिल है हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड के रेसिडुअल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स। इनको मिक्स किया जाता है वैक्स के साथ और रेजिन के साथ एंड एक फ्रेम या पैनल में डाल के इसको हाई टेम्परेचर पे मोल्ड कर दिया जाता है। इन तीनों प्रोडक्ट में जो मेजर अंतर है वो है डेंसिटी का। डेंसिटी अलग होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती हैं। चलिए कुछ पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं, उसके आधार पर चेक कर लेते हैं कि MDF, HDF और HDHMR बोर्ड में क्या अंतर है। सो पहला पैरामीटर हमारा डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पर MDF जो है लाइट वेट मटेरियल है, वो बहुत ही कम डेंस होता है, जबकि HDF जो है वो MDF से ज़्यादा डेंस होता है और HDHMR से कम डेंस होता है। अगर हम HDHMR की बात करें, HDHMR हाई डेंसिटी मटेरियल है और जो कि बहुत ही स्टीफ है दोनों से ही। दूसरा पैरामीटर है होल्डिंग स्ट्रेंथ। अगर हम होल्डिंग स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं तो MDF की होल्डिंग स्ट्रेंथ जो है वह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो HDF से भी कम है। और HDF जो कि हाई डेंसिटी मटेरियल है, इसकी होल्डिंग स्ट्रेंथ अमूमन HDHMR से कम है, पर अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है इसकी भी। और HDHMR की बात करें तो ये हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है, इसकी हम कमर्शियल प्राइस से तुलना कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर है हमारा मॉइस्चर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस एंड टर्माइट रेजिस्टेंस। MDF की बात करें तो MDF मॉइस्चर एंड वाटर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, जबकि टर्माइट रेजिस्टेंस है। HDF की बात करें तो वो भी मॉइस्चर एंड वाटर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, टर्माइट रेजिस्टेंस है। और HDHMR बोर्ड की बात करें तो यह तीनों ही प्रॉपर्टी रखता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस एंड टर्माइट रेजिस्टेंस की। तीसरा पैरामीटर है सुटेबल फॉर आउटडोर। MDF और HDF की बात करें तो ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है आउटडोर कंडीशंस के लिए। और HDHMR बोर्ड की बात करें तो ये एक्सटर्नल ग्रेड का मटेरियल है जो कि बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इसे आप एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है सरफेस फिनिश। अगर सरफेस फिनिश की बात करें तो यह तीनों ही स्मूथ फिनिश मटेरियल है, यह रेडी टू पेंट होते हैं, बस इनको हल्की सी सैंडिंग करने की जरूरत होती है और इसको आप इजीली पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी। MDF की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी HDF और HDHMR बोर्ड से कम होती है। HDF की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी MDF से ज़्यादा होती है और HDHMR बोर्ड से कम होती है। और HDHMR बोर्ड की बात करें तो इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी MDF और HDF दोनों से ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। MDF का लाइफ स्पैन ड्राई कंडीशन में 10 साल तक का है। अगर लैमिनेटेड की बात करें तो यह 10 से 15 साल तक भी निकाल सकता है। HDF का ड्राई कंडीशन में जो लाइफ स्पैन है वो है 10 साल और लैमिनेटेड करने के बाद 15 से 17 साल निकाल सकता है, जबकि HDHMR बोर्ड का जो ड्राई कंडीशन में लाइफ स्पैन है 15 से 20 साल है और आउटर कंडीशन में 8 से 10 साल है। यह डिपेंड करता है यूसेज पे। नेक्स्ट पैरामीटर इज अवेलेबल साइज एंड थिकनेस। MDF की बात करें तो 8x4 के बोर्ड में यह 2 से 25 mm की थिकनेस में मिल जाएगा। HDF की बात करें तो 8x4 के बोर्ड में 5 से 25 mm की थिकनेस में मिल जाएगा और HDHMR बोर्ड की बात करें तो 3 से 18 mm की थिकनेस में आपको मिल जाएगा। HDHMR बोर्ड के अलग अलग साइजेस में फ्लश डोर भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि 32 से 35 mm की थिकनेस में आपको मिल जाएंगे। अगर प्राइस की बात करें तो MDF HDF से सस्ता है और HDF HDHMR बोर्ड से सस्ता है, और HDHMR बोर्ड यह दोनों से ही महंगा है MDF और HDF से। दोस्तों, आशा करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आगे भी इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।